नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के बरेला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्र के मेला ग्राउंड में एक युवक की लाश खून से सनी हुई मिली। घटना की जानकारी जैसे स्थानीय जनों को लगी, क्षेत्र में सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने तत्कालीन हत्या होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने हत्या को लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना आज सुबह की है, जब क्षेत्र के लोगों ने युवक का खून से सना हुआ शव देखा, तब तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर बरेला पुलिस पहुंची। एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे के मुताबिक ओम झारिया उम्र 18 वर्ष का शव मेला ग्राउंड में पड़े रहने की सूचना मिली। मृतक के शरीर में गहरे निशान है। प्रथम दृष्टया युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों ने बताया, ओम बीती रात अपने दोस्तों के साथ शराब की दुकान गया था। वह अधिकांश समय अपने 3 से 4 दोस्तों के साथ बताया करता था। हालांकि एफएसएल टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। ये थाना बरेला के बीटीआई ग्राउंड पे एक आज सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। प्रारंभिक रूप से हमने देखा कि उसके किसी धारदार हथियार से मारपीट करके हत्या की गई, जिसका आइडेंटिफिकेशन हम ओम झारिया निवासी बरेला के रूप में हुआ है। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की है और जानकारी में यह है कि कल शाम को निकला था घर से, उसके बाद में नहीं पहुँचा। आज सुबह जानकारी मिलने पर उन्हें पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। ये क्या करता था, ये कुछ मालूम है? ये लड़का लोकल काम करता था, मजदूरी का काम करता रहता था। अपने माता पिता के काम में भी कभी कभी हाथ बताता था, पर उसका रिकॉर्ड जानकारी में आया कि उसने इसके पहले भी 1-2 घटनाएँ किया था और उसके विरुद्ध भी चाकूबाजी के मामले पंजीबद्ध है। अभी आरोपी की शनाख्त हुई है? अभी इन्वेस्टिगेशन में मैटर, जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।